जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर इस बार मेरे 90 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं कि 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि 80 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो क्या रहेगा सर, क्या सेफ स्कोर है या नहीं है। और मैं पूरा आज एनालाइज करूंगा 2018-2019 यानी 41,520 वैकेंसी का, 49,568 और जो अपनी 2022 में आने वाली है 26,210 वैकेंसी, ठीक है ना। तो इसमें पूरा एनालाइज जब हम करते हैं तो 2018, सबसे पहले 18 चलते हैं। 2018 में वैकेंसी आई थी 41,520, सभी ने फॉर्म डाला, तकरीबन 22 लाख फॉर्म पड़े थे, 18 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी। उसमें क्या हुआ, जब लिस्ट आई तो उसमें 1.5 गुना पास किए गए थे, यानी कि 41,520 की वैकेंसी से अगर आप लोग 1.5 गुना करोगे तो 40 का आधा कर लीजिए तो 1.5, यानी कि 62,000 तकरीबन पास किए गए थे मेरिट में, ठीक है। जो फर्स्ट मेरिट लगी थी 62,000 की, अभी पूरा सुनाता हूँ उसके डिटेल्स। तो जो कट ऑफ रही थी दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं, जब एग्जाम हुआ था तो वैकेंसी, एक बार एग्जाम रद्द हुआ था, चार मीटिंगें थी तो सुबह की दो मीटिंगें थी उनका एग्जाम रद्द नहीं हुआ था, जो शाम की दोनों मीटिंगें थी उनका एग्जाम रद्द हुआ, फिर से एग्जाम हुआ, ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो जब एग्जाम रद्द हो गया तो हम लोगों का लगभग, जिसमें मेरा भी फंसा था, मेरा भी एग्जाम रद्द हो गया, तो तकरीबन 3 महीने बाद फिर से एग्जाम हुआ। 3 महीने बाद जब एग्जाम हुआ तो फिर एक महीना बाद, तकरीबन 1-2 महीने बाद रिजल्ट आया, तो उसमें इतना ज्यादा अंतर था आप लोग सोच नहीं सकते हो। कैसे, कट ऑफ जानो, जर्नल 225 यानी 225 नंबर 300 में से, और ओबीसी 218, एससी 187 और एसटी 156, बाकी एक सर्विसमैन बिल्कुल नॉर्मल थी, ठीक है, जितना पासिंग आउट मार्क्स चाहिए था। तो कहने मतलब ये है, इतनी वैकेंसी, इतना ज़्यादा कट ऑफ क्यों गई। 2018 यानी कि जिनकी पहले शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, उनका जिनका कैंसिल नहीं हुआ था, उनको दीजिए नंबर मिले बहुत ज़्यादा है, यानी कि 40, 35, 40, 44 नंबर तक मिले हैं। इंटरव्यू भी आप देख सकते हो और ये गूगल पे भी उपलब्ध है, यूट्यूब पे भी आप लोग देख सकते हो। तो 40 से 44 नंबर तक यानी कि नॉर्मलाइजेशन में मिला है, तो सोचो जिसके अब 180 हुए होंगे, अगर उसको 44 मिल गए, 224-25 तक तो वो वैसे पहुंच गया होगा। ये चीज हुई थी। और जिनके कैंसिल हुए थे उनको मिले थे 8, किसी को 10 और किसी किसी को नहीं भी मिला था कोई भी नंबर, ठीक है। तो ऐसा हुआ था, इतना अंतर, इसीलिए ये हाई फाई कट ऑफ गई थी। 2018 की बात कर रहे हैं। अब 2019 में एक वैकेंसी और आई, 49,568, उसमें क्या हुआ, अब देखो एक साल में कितना ज्यादा अंतर आ गया। जनरल की कट ऑफ थी वो 186 पे आ गई, और ओबीसी 172, 172 नंबर 300 में सिर्फ, है ना, एससी 145-46 और एसटी शायद 125-30। तो और फीमेल की बात करें तो 172, और उसमें शायद फीमेल की 199, उसमें तो 2018 में 199 थी, यानी कि 199 मार्क्स और इसमें 172 मार्क्स। उसके बाद कई सारी कट ऑफ्स लगी, फिर 172 से 160 आए, 150 आए, और फाइनली 70 क्वेश्चन जिनके ठीक थे फीमेल के, वो भी ड्यूटी आजकल कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, मेरे साथ की, मैं आपको पहली बार बता चुका हूँ कि 70 क्वेश्चन पे भी सिलेक्शन हुआ है, फीमेल की बात कर रहे हैं। अब 4 साल होने जा रहे हैं 2019 से, 3 साल 4 साल होने जा रहा है गैप। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बहुत ज़्यादा हाई फाई कट ऑफ जाने वाली है। हाँ, हम भी अग्री करते हैं इस बात से कि हाई फाई कट ऑफ तो जाने वाली है, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है इस बार का। लेकिन इससे पहले एक चीज़ जानो, 2018 में जो वैकेंसी आई थी वो भी तो काफ़ी साल बाद आई थी ना, उससे पहले मेरिट वाली वैकेंसी थी, तो वहाँ भी तो कंपटीशन का अच्छा खासा क्षेत्र हो गया था। लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई थी, उसका रीज़न था कि नॉर्मलाइजेशन। फिर 2019 में 49,568 में कम नॉर्मलाइजेशन मिला, यही होगा 26,210 वैकेंसी। अब देखो मैं क्लियर बता दूं, इसमें कट ऑफ तो अच्छी खासी रहेगी, क्यों, वैकेंसी कम है, वो सीधे सीधे आप देख सकते हो 49,568, 41,520 से 15 उससे 20,000 ज़्यादा एक्स्ट्रा वैकेंसी थी, तो हिसाब से कट ऑफ भी थोड़ी सी मुश्किल से कम गई थी, थोड़ी ज़्यादा कम गई थी, है ना। अब जब वैकेंसी कम होगी, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो कट ऑफ तो थोड़ी सी हाई जानी है आपको, 5 नंबर, 5 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही करने होंगे, 5 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा करने ही होंगे होंगे। अगर फटाफट बात करें तो जनरल, फिर भी कितनी भी ज़्यादा हाई फाई कट ऑफ जाए 26,210 वैकेंसी के लिए, 100 क्वेश्चन जनरल की जिसके सही है उसका 100% सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन कैसे होगा मैं बताऊँ आपके लिए, 100 क्वेश्चन आपके सही होंगे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। अगर सबको 10 10 कम क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो आपके 110 क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपके 220 नंबर तक बनेंगे, और 220 नंबर जनरल में बहुत है। तो 100 से 110 के बीच में नंबर आप लाने की सोचना, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी भी बिल्कुल कोई खास अंतर नहीं रहने वाला, 95 से 100 के बीच में नंबर आपको भी लाने पड़ेंगे, यानी ओबीसी भी 100 क्वेश्चन मेल में लाने ही पड़ेंगे। एससी की बात करें तो एससी 90 क्वेश्चन एक्यूरेट ले आइए, 90+ लाना, कम मत लाना, 100% सिलेक्शन है। एसटी की बात करें, एसटी भी अब की बार 80+ लाए, सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की बात करें तो फीमेल जितनी भी है, ऑल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, एक ही मेरिट लगती है,
तो आप लोग सभी 90 क्वेश्चन प्लस ले आइए, 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा इस बार, ठीक है? क्योंकि ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है आपका, यानी कि काट पीट के आपके 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो अच्छा खासा एक आपके लिए मार्जिन मिल जाएगा, यानी कि अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है? तो टेंशन ना लो आप लोग, इतनी भी ज्यादा होपलेस मत हो जाओ कि अरे नहीं सर 300 में तो 250 270 जाएगी जनरल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? 220 जाएगी, वो भी नॉर्मलाइजेशन विद नॉर्मलाइजेशन, यानी कि विदाउट नॉर्मलाइजेशन 100 क्वेश्चन है तो काम हो जाएगा। और रनिंग की बात करें तो रनिंग में बहुत सारे लोग फेल होते हैं, आप लोग विश्वास नहीं मानोगे कि रनिंग में जब 2018 में रनिंग हुई थी ना, तो उसमें 100 में से 35-40 मेल कैंडिडेट्स रनिंग क्वालिफाई कर पा रहे, तो फीमेल बात करें तो कुछ मजबूत, तो बहुत बुरा हाल था, 10-15 100 में से 10-15 लड़की ही थी जो क्वालिफाई कर पा रही थी रेस, वरना नहीं कर पा रही थी क्योंकि टाइम भी नहीं दिया गया था। इसमें भी यही होगा, देख लेना, वैकेंसी आएगी, फॉर्म पड़ जाएंगे, एग्जाम हो जाएगा, किसी दिन रिजल्ट आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाएंगे और रनिंग करवा लेंगे आप लोगों को भी, हो सकता है कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ रनिंग की तैयारी अभी से करो, फिटनेस भी बनी रहेगी और आपका पढ़ने में मन भी बहुत अच्छा लगेगा। तो टेंशन ना लो दोस्तों, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, अच्छे से समझे होंगे कि ए कट ऑफ और इतने नंबर अब तक रहे हैं और आपको इस बार कितने नंबर लाने, तो अपना एक टारगेट सेट कर लो, इससे ज्यादा ही लाने हैं, सर ने जो बताया इससे ज्यादा ही लाने, इससे कम नहीं आना है ना। मैं कह रहा हूँ जनरल आप लोग 110 तक, 110 प्लस लाने की सोचो, 100 से 110 बीच चल जाएंगे, लेकिन 110 से ज्यादा लो, क्या दिक्कत है? नहीं आ रहे होंगे मुझे पता है, जो होशियार एक्सीलेंट होंगे उनके तो आ जाएंगे, चाहे वो एससी का हो, चाहे ओबीसी, चाहे एसटी का, वो तो 120 भी ज्यादा ले आएगा, पर जो नॉर्मल बंदे हैं वो, जिनको मैंने ये चीज बताई है सिलेक्शन लेना, तो इतने नंबर तो आपको लाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। हालांकि इससे कम नंबर पे भी सिलेक्शन होगा, 90 फीमेल का बताया, हो सकता है 80 पे भी सिलेक्शन हो जाए, मेरिट नीचे आते आते 2-3 मेरिट लग जाए ना, तो लेकिन जो मैं बता रहा हूँ पहली मेरिट के लिए, वो 90 क्वेश्चन आपको लाने ही पड़ेंगे। और मेल फीमेल सबकी बात कर ही चुका हूँ, तो टेंशन ना लो दोस्तों, ऑल द बेस्ट सभी के लिए, मेरी जितनी दुआएं आप सभी लोगों को यही दूंगा कि इस बार आप भर्ती का आपका सपना जरूर पूरा हो और आप भी हमारे साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल का हिस्सा बने, ठीक है दोस्तों? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं, जय हिंद। हाँ, वीडियो लाइक जरूर कर दिया करो जिससे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, है ना? और जो चैनल नए हो वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो बहुत आती रहेंगी। और टेंशन ना लो, जीके की क्लास आप लोग अगर टेंशन ले रहे हो तो वो मैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम से पहले सब करा दूंगा, जितनी मेरी क्लास है, जितनी मेरे नोट्स है, मैं सब करा दूंगा, आप लोग टेंशन ना लो, ठीक है ना? चलते हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।